अरे यार ये मैमरी ग्लैंड्स पे प्रोलैक्टिन काम करता है या ऑक्सीटोसिन काम करता है या इस्ट्रोजन काम करता है, सब कह दिया मेरे को, तो बहुत कंफ्यूज हो रहा है यार। मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अगर एमसीक्यू आया तो क्या आंसर लिखूंगा, मैं समझ नहीं आ रहा। हाय, अरे डरने की क्या बात है उसमें, तुम कौन हो? व्हाई फियर व्हेन शुभम मुले इज नियर? अगर है तुम्हारे दिमाग में सूजन तो 2 मिनट में दूर कर दूंगा सारा कंफ्यूजन। देखो ये सारे हॉर्मोन्स एक एक करके मैमरी ग्लैंड्स पे ही एक्ट करते हैं। देखो फीमेल या गर्ल जब 13 इयर्स की हो जाती है तो वहां पे इस्ट्रोजन जो है वो सीक्रेट होना चालू हो जाता है। उसके कारण इस्ट्रोजन जो है वो फैट डिपोजिशन कराता है मैमरी ग्लैंड्स के अंदर, तो उनकी साइज जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, साथ ही में जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, एंड इस्ट्रोजन तो वहां पे होता ही है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या कराता है, जो मैमरी ट्यूब्यूल्स होती है उनकी साइज जो है वो ग्रो कराता है, मैमरी एल्वोलाई का ओवरऑल जो है वो मैच्योरेशन कराता है। देन एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जब तक प्रोजेस्टेरॉन एंड इस्ट्रोजन काम कर रहे हैं तब तक वहां पे मिल्क फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है, एंड ना ही सिक्रेशन होगा। एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जब ये दोनों हार्मोन कम हो जाते हैं तो वहां पे सिक्रेट हो जाता है प्रोलैक्टिन। अच्छा, और प्रोलैक्टिन फिर एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड वहां पे मिल्क फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। तो एल्वोला के अंदर मिल्क फॉर्मेशन का काम जो है वो कराएगा प्रोलैक्टिन। एंड जब यहाँ पे बच्चा जो है वो टच करेगा मेमोरी ग्लैंड्स को, ठीक है, अपना माउथ जो है वहां पे टच कराएगा मेमोरी ग्लैंड्स को, तो एल्वियोलाई से, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क बाहर यानी कि मिल्क इजेक्शन का जो काम करेगा वो करेगा ऑक्सीटोसिन, क्योंकि वी नो दैट ऑक्सीटोसिन जो है वो लव हार्मोन होता है, एंड ये जो है वो बच्चे और माँ के बीच में जो है वो लव यहाँ पे क्रिएट कराता है, एंड उसी के चलते यहाँ पे मिल्क इजेक्शन का काम भी जो है वो ऑक्सीटोसिन का। ओ ऐसा है, अब तो आंसर लिख पाऊंगा। थैंक यू शुभम सर, अब तो मेरे को कोई भी एमसीक्यू आ जाए कंफ्यूजन नहीं होगा। अरे थैंक यू विंक्यू की जरूरत नहीं है भैया, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प। अगर आपको भी ऐसे कोई टॉपिक में जो है वो कंफ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स लिखो, डॉक्टर शुभम मुले इसको सॉल्व करेगा।